आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अपने पद पर रहने के दौरान मिलने वाली सैलरी का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जब वे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे तो उन्हें 4 लाख रुपए की सैलरी मिलती थी, लेकिन ये सैलरी उनके लिए बड़ा लाभ नहीं था। उनके लिए बड़ा लाभ आरबीआई गवर्नर को मिलने वाला घर था। इतना ही नहीं, रघुराम राजन ने अपने नजरिए से अब तक के बेस्ट वित्त मंत्री के बारे में भी बताया। आरबीआई के पूर्व गवर्नर का कहना था कि आरबीआई गवर्नर के रूप में उनको 4 लाख रुपए सालाना मिलता था, हालांकि सबसे बड़ा लाभ उनका घर था। आरबीआई गवर्नर होने की वजह से उन्हें मुंबई में मालाबार हिल पर धीरूभाई अंबानी के घर से कुछ ब्लॉक दूर एक बहुत बड़ा घर मिला था। अगर इसे हम बेचते या फिर इसे पट्टे पर देते तो लगभग 450 करोड़ रुपए मिलेंगे। गवर्नर के लिए एक अपार्टमेंट ही काफी होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा घर था। वहीं रघुराम राजन से पूछे जाने पर क्या 4 लाख रुपए सालाना वेतन उचित है, इस सवाल पर उनका कहना था कि मुझे लगता है कि ये कैबिनेट सचिव के बराबर की सैलरी है, ये सरकारी अधिकारियों के बराबर सैलरी है। राजन ने कहा कि आरबीआई गवर्नर को अन्य भत्ते नहीं मिलते हैं जो कि सरकारी अधिकारियों को मिलते हैं। पूर्व आरबीआई गवर्नर ने इस दौरान वेतन संरचना के पीछे का तर्क को भी समझाया। वहीं जब पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन से पूछा गया कि उनके हिसाब से अब तक के बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन रहे हैं, इस सवाल के जवाब पर उनका कहना था कि अब तक के सबसे बेहतर फाइनेंस मिनिस्टर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं। इनके अलावा वित्त मंत्री के तौर पर पी चिदम्बरम ने भी अच्छा काम किया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।